उसने कहा है कि मैं किसी एक ऐसी आंटी के साथ सेक्स करना चाहता हूं जिससे मेरी वर्जिनिटी खत्म हो। व्हाट? ये कैसा विश है? तो अब पार्ट टू की शुरुआत डॉक्टर किशोर से शुरू होती है, जहां पर ये अपने पेशेंट सूरज के बारे में डॉक्टर शुक्ला को बता रहा है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है। तो शुक्ला साहब उसकी अच्छे से देखरेख करने के लिए कहता है। अब अगले दिन में अंजलि आकर अपने जिस्म का ऑपरेशन करने लगती है, मतलब कि रोमांस, वो भी शुक्ला के साथ। इनका ये डेली सा रूटीन हो गया है। तो अब यहाँ पर पूरे 17 मिनट का गजब वाला टपाटप सीन देखने को मिलेगा। इनका ये रिश्ता काफ़ी मज़ेदार है और रोज़ कुछ नए तरीके से ये दोनों गपागप भी करते हैं। और कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पर अतरंगी टाइप वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा, जो कि पूरे पैसे वसूल करने वाला सीन है। अब अगले सीन में किशोर अपनी बीवी मीना को बताता है कि मैंने अपने पेशेंट की पहली इच्छा पूरी की है और कल मैं उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी करूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला है। पर मीना उससे दिलासा देकर सब बाबा के ऊपर छोड़ने के लिए कहती है। अब अगले दिन किशोर सूरज की दूसरी इच्छा पूछने लगता है। तो इस बार सूरज कहता है कि मैं वर्जिन नहीं मरना चाहता, मुझे किसी आंटी के साथ गपागप करना है। ये बात सुनते ही किशोर तो पूरा बौखला जाता है, पर इसे तो ये सब करना ही पड़ेगा। जिसके बाद किशोर अपने घर आकर अपनी बीवी को यही बात बताता है। तो अब ये किशोर किस आंटी को लाएगा ये अभी पता चलता है। अब देखो, किशोर के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो वो खुद अपने बीवी को दूसरी इच्छा सूरज की पूरी करने के लिए कहता है। अब जिसने ये तरीका बताया था वो खुद ही इस खेल का हिस्सा बनने जा रही है, मतलब मज़ा तो आने वाला है। तो ना चाहते हुए भी मीना को ये सब करना ही पड़ेगा। जिसके बाद अगले दिन सूरज की दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए मीना उसके पास जाती है, जिसके बाद पूरे 20 मिनट का पूरा खतरनाक वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। भाई, ये सूरज तो मरने से पहले खूब मज़े कर रहा है। काश हमारी भी इच्छाएँ पूरी करने वाला कोई मिल जाए तो मज़ा आ जाए। खैर, सूरज मीना की ऐसी पुंगी बजाता है कि मीना के पसीने छूटने लगते हैं और आपको यही देखकर बहुत मज़ा आएगा और ये वाला सीन भी आपके पूरे पैसे वसूल कर देगा। अब सूरज की दो इच्छाएं तो पूरी हो गई है, अब तीसरी इच्छा क्या होगी ये एंड में पता चलेगा। अब दूसरी इच्छा पूरी होने के बाद डॉक्टर शुक्ला किशोर को दिन बनाने का फैसला लेता है और यही बात जानकर डॉक्टर अंजलि के गांड में आग लग जाती है, क्योंकि आज तक उसने अपनी गांड मरवाई पर इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। तभी अंजलि की असिस्टेंट आकर डॉक्टर किशोर के पीछे का राज बताने लगती है। प्रीति कहती है कि किशोर किसी पंडित से मिला था, इसी वजह से आज ये सब हो रहा है। तो अंजलि प्रीति से उस पंडित के बारे में पूछती है। इधर किशोर अब सूरज से उसकी तीसरी इच्छा पूछता है। तो इस बार ये जनाब कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ देख भी लिया और मेरी वर्जिनिटी भी लूज हो गई, पर अब मैं एक वर्जिन लड़की के साथ टपाटप करना चाहता हूँ। यह सुनते ही डॉक्टर किशोर की फिर से सटक जाती है, पर क्या करें, इसे तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। इधर ये अंजलि पंडित की सारी जानकारी निकालकर उनसे मिलने जाती है। अंजलि पंडित को अपनी सारी परेशानियां बताकर उनका सॉल्यूशन मांगती है। तो पंडित इसे भी वही बात बताता है कि अगर आपको सब कुछ जीतना है तो आपको किसी बुजुर्ग आदमी की एक इच्छा पूर्ण करनी होगी, जिसके पास समय बहुत ही कम हो। वो आदमी जो भी बोलेगा वो आपको ज़रूर करना पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ मिल सकता है। अब अंजलि वो नमूना कहाँ से लाएगी ये देखने वाली बात है। इधर किशोर को वर्जिन लड़की नहीं मिलती तो वो अब की बार अपनी बेटी श्रेया को ही इसमें शामिल करने का विचार करता है। किशोर सारी बात अपनी बेटी को समझाकर उसे ये काम करने के लिए कहता है। तो श्रेया अपने बाप की खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए मान जाती है। इधर अंजलि प्रीति से किसी ऐसे मरीज के बारे में पूछती है जो कि बूढ़ा हो और अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो, पर प्रीति को भी ऐसे पेशेंट के बारे में पता नहीं होता। अगले सीन में श्रेया सूरज की तीसरी इच्छा पूरी करने आ जाती है। श्रेया को जाते समय प्रीति देख लेती है और उसे शक होता है, तो वो ये बात अंजलि को बताने जाती है। अब वेब सीरीज के लास्ट में बिल्कुल गजब वाला
रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा जो कि पूरे 20 मिनट का है। इस बार तो सूरज बिल्कुल डायनासोर बनकर श्रेया की टुक पिटाई करता है और ये वाला सीन तो पूरा माहौल है जिसको देखकर फुल पैसे वसूल हो जाएंगे। अब सूरज की तीनों इच्छाएं पूरी हो गई हैं तो क्या किशोर का सपना अब पूरा होगा या फिर अंजलि बीच में टांग बनकर आएगी, ये तो अब इसके तीसरे पार्ट में पता चलेगा। पार्ट टू की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब पार्ट थ्री की शुरुआत में ही श्रेया और उसके बॉयफ्रेंड अक्षय का धाकड़ वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। ये स्टार्टिंग वाला सीन ही पूरे 22 मिनट का है जिसमें सभी को हर एक एंगल का शॉट देखने को मिलेगा। ये सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है। ये प्राइम प्ले वाले भी ना दिन ब दिन गजब के सीन बनाते जा रहे हैं। खैर ये सीन ख़त्म होने के बाद डॉक्टर शुक्ला किशोर को बुलाकर उसकी बहुत ही तारीफ करता है क्योंकि किशोर के अच्छे ट्रीटमेंट की वजह से मौत के मुँह में से बच निकला है। पर शुक्ला को क्या पता कि उसने कौन से कांड किए हैं, पर साला सूरज तो बच गया है। अच्छी बात तो है पर किशोर के लिए ये बुरी खबर हो सकती है क्योंकि पंडित ने कहा था कि ऐसे लड़की की इच्छाएं पूरी करनी है जो जल्दी मरने वाला हो, पर यह तो सूरज बच गया है तो आगे क्या होगा ये अभी सस्पेंस है। अब शुक्ला अंजलि को अपने बूढ़े पिता का इलाज करने की जिम्मेदारी देता है, ये तो अंजलि के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि जो उसे चाहिए था वो खुद इसके पास चलकर आया है। फिर अंजलि शुक्ला के घर जाकर उनके पिता का चेकअप करने लगती है जहां उसे पता चलता है कि बाऊजी जल्दी टपकने वाले हैं, तो वो बाऊजी को पूछने लगती है कि मरने से पहले कोई आपकी इच्छा है क्या जो आपको चाहिए, तो बाऊजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसी खूबसूरत और जवान लड़की के सील तोड़ना चाहता हूँ। अरे बाबा सभी को तो बस घबाघब ही चाहिए, अब ये बेचारी अंजलि भी यहाँ फंस गई है। अब इसे तो बाऊजी की ये इच्छा पूरी करनी ही होगी जिसके बाद बिना देरी किए अंजलि बाऊजी का हिला हिला कर लंड खड़ा कर देती है और फिर क्या पूरा ज़बरदस्त वाला पलंग तोड़ सीन हम सबको देखने को मिलता है। ये सीन भी फुल धमाकेदार है जो कि पूरे 15 मिनट का है और पूरा खतरनाक है। अब बाऊजी की भी इच्छा पूरी हो जाती है तो क्या अब अंजलि का सपना पूरा होगा या नहीं ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इधर किशोर दिन बनने की खुशी में पार्टी कर रहा है। अब अगले दिन जब दिन की अनाउंसमेंट होने वाली होती है तो यहाँ पर शुक्ला किशोर को एक झटका देता है, यानी कि वो कहता है कि जैसे तुमने मिराकल किया है वैसा ही मिराकल कल अंजलि ने किया है और मेरा बाप पूरी तरह से ठीक हो गया है, तो अब मैं पूरा कंफ्यूज हूँ कि दिन किसे बनाया जाए। तुम दोनों एक काम करो, आपस में बातचीत करके ये फैसला लो कि दिन कौन बनना चाहिए। किशोर की अब पूरी सटक गई है, अब ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं तो अंजलि एक सौदे की बात करती है कि तुम्हें खुद का हॉस्पिटल खोलना है और उसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए, तो तुम मुझे दिन बना दो और मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगी। किशोर को ये ऑफर अच्छा लगता है जिसके बाद दोनों के बीच में सौदा हो जाता है। अब ये सौदा हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे का विश्वास बनाए रखने के लिए एक साथ रोमांस करने लगते हैं और वेब सीरीज के लास्ट में बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा जो कि पूरे 17 मिनट का है और फुल खतरनाक और ज़बरदस्त भी है। और इसी सीन के साथ पार्ट थ्री की भी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको दोनों पार्ट की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने इसके पार्ट वन की भी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना और तीनों पार्ट की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना। इस वेब सीरीज के तीनों पार्ट्स में एक से बढ़कर एक धमाकेदार वाले रोमांटिक सीन देखने को मिलेंगे जो कि पूरे आपके पैसे वसूल कर देंगे। सो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज का आनंद लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जाते समय मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।